जो हाल जदयू का बिहार के अंदर है, उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के चले गए, मीना सिंह छोड़ के चली गई, लाइन लगी हुई है छोड़ के जाने वालों की, वही हाल कांग्रेस का है। और कल तो गुलाम नबी आज़ाद ने दो तीन दिन पहले कह दिया अपनी किताबी वचन के समय कि कांग्रेस में वही रह सकता है जिसको रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो नीतीश जी, आप जिन दलों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस नाव पर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जो खेवनहार है और जो नाव है उसमें इतने छेद है, इसको तो डूबना तय है। और फिर जिनको एक करने की कोशिश कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उससे डरे हुए लोग हैं, जो जिनको आप एकजुट करने का प्रयास कर निकले हुए हैं, कौन कौन सा सपना उनका पूरा होगा, एकता या फिर नहीं? देखिए, वो जिस नाव पर सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं उस नाव में इतने छेद हैं, उस नाव या जहाज का डूबना तय है। देखिए, राजस्थान के अंदर सचिन पायलट को अपनी सरकार के खिलाफ में अनशन करना पड़ा, कर्नाटक में खड़गे डी शिव कुमार सिद्धारमैया के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, अभी चुनाव भी नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हाल है? तो जो पार्टी क्या तीन चार राज्यों में शासन है और हर जगह आपसे लड़ाई और तो लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो जो हाल जदयू का बिहार के अंदर है, उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के चले गए, मीना सिंह छोड़ के चली गई, लाइन लगी हुई है छोड़ के जाने वालों की, वही हाल कांग्रेस का है। और कल तो गुलाम नबी आज़ाद ने दो तीन दिन पहले कह दिया अपनी किताबी वचन के समय कि कांग्रेस में वही रह सकता है जिसको रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो नीतीश जी, आप जिन दलों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस नाव पर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जो खेवनहार है और जो नाव है उसमें इतने छेद है, इसको तो डूबना तय है। और फिर जिनको एक करने की कोशिश कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उससे डरे हुए लोग हैं, जो जिनको आप एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने आशीर्वाद किस लिया? लालू यादव से आशीर्वाद दिया, यानी मुहिम की शुरुआत लालू यादव से हुई, जो चार मामलों में सजा याफ्ता है, भ्रष्टाचार का प्रतीक है, चुनाव लड़ने योग्य भी नहीं है। और राहुल गांधी से मिलने के बाद किससे मिलने गए? तो उस अरविंद केजरीवाल से, जिसके दो दो मंत्री जेल में हैं, एक सत्येंद्र जैन 1.5 साल से जेल में बंद है, कोर्ट ने बेल नहीं दिया आज तक, दूसरे मंत्री मनीष सिसोदिया 3 महीना हो गया अभी भी जेल के अंदर है। तो ये भ्रष्टाचार के अंदर जो लोग डूबे हुए लोग हैं, जिन पर मुकदमे हैं, वो लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए होने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक ओर नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार व्यक्ति और दूसरी ओर भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग जो एक होने का प्रयास कर रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है। और नीतीश जी, आपको तो बिहार में हम लोगों ने दो दो जगह पराजित कर दिया, गोपालगंज का इलेक्शन और कुर्दी का बाई इलेक्शन हुआ, 7 दल हमारे खिलाफ थे और हम लोगों ने दोनों सीटों पर जीत हासिल की। मोकामा में जो जीत हुई वहाँ भी 64,000 वोट हम लाए। तो आप तो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, 44 MLA आपके पास, आपकी पार्टी टूट रही है, और अब देश को एक करने चले हैं। नवादा में क्या, नालंदा में क्या हुआ, ससाराम में क्या हुआ? तो जो लोग अपना घर नहीं संभाल पा रहे वो देश को संभालने जा रहे हैं। तो इसलिए देखिए, ये जो मुहिम है इसका विफल होना निश्चित है। ये केवल केरल में एक काम कर दें, यूनाइटेड फ्रंट और लेफ्ट फ्रंट, उन दोनों को एक कर दें, और कांग्रेस और CPM एक दूसरे के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ती है, क्या वो एक हो सकते हैं? या अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, ये कुमार स्वामी की पार्टी JDS और कांग्रेस को एक कर दें? इसलिए देखिए, ये तो संभव ही नहीं है कि सभी दल एक साथ आ जाए। आज डर के मारे, चूँकि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इनको लगता है ये एक ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जहाँ लूटने की पूरी छूट मिल जाए, भ्रष्टाचार करने की पूरी छूट मिल जाए। वो छूट नहीं मिल रही, इसलिए लोग एक हो रहे हैं, इसलिए जनता पहचानती, जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। सर, JDU कह रही है कि जॉर्ज फर्नांडिस, उसमें क्या लगा? वो इसे मैंने कहा ना, डूबते हुए जहाज का कप्तान बन जाइए तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? ये डूबता, मैंने कहा ना, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, उसके साथ मिलकर अगर कप्तानी करेंगे तो वो तो डूबेंगे, वो तो डूब ही रहे, ये तो और ये भी डूब रहे हैं। तो बिहार का क्या हाल बना दिया और अपनी पार्टी का क्या हाल बना दिया है? तो अच्छा कप्तानी करें, उनको मुबारक हो उनकी कप्तानी। नहीं, देखिए, नई शिक्षक नियमावली जो बनी है ये शिक्षकों के साथ धोखा है, उनको ठगा जा रहा है। जो TET, STET उत्तीर्ण, जो 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी थे, जो 2019 में जो उत्तीर्ण हुए, जिनको लगातार आश्वासन दिया जा रहा था कि आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, अब उनको कहा जा रहा है कि आपको फिर से परीक्षा में बैठना पड़ेगा।
तो 4 साल से झूठा आश्वासन क्यों दे रहे थे? और जब वो परीक्षा दे चुकी है, बीएड पास हो गए, यानी जिन लोगों ने बीएड कर लिया, जिन लोगों ने एसटीटी कर दिया, उनको एक और परीक्षा देनी पड़ेगी। फिर जो नियोजित शिक्षक हैं 4 लाख से ज़्यादा, उनको भी कहा जा रहा है कि आपको एक और परीक्षा देनी पड़ेगी। तो परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पे परीक्षा। और अगर ये सरकारी कर्मी बनाने का जो आश्वासन दे रहे हैं, तो ये जो नियोजित शिक्षक हैं उनका क्या होगा? और एक विद्यालय में 3 प्रकार के शिक्षक हो जाएंगे। पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, जिसको आपने डाइंग कैडर डिक्लेयर कर दिया, नियोजित शिक्षक, एक सरकारी कर्मी शिक्षक। यानी एक ही विद्यालय में एक शिक्षक होगा जो नियोजित होगा, दूसरा होगा जिसको कि सरकारी कर्मी जो है। इसलिए हमारी मांग यही कि जो एसटीटी टीटी पास लोग हैं, उन सभी लोगों को तत्काल नियुक्ति पत्र दिया जाए, चूँकि आपका आश्वासन था, उनको परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। और एक प्रकार के शिक्षक होने चाहिए, एक ही विद्यालय में 2 प्रकार के 3 प्रकार के शिक्षक नहीं होने चाहिए। और देखिए, इनको बाली वाली नहीं करना है, ये चुनाव तक खींच के ले जाएंगे। अभी तो कह रहे हैं कि वैकेंसी मंगवाई जाएगी, फिर जिला स्तर रोस्टर बनेगा, तब विज्ञापन निकलेगा, फिर विज्ञापन के बाद 1,00,000 करोड़ लोग अप्लाई करेंगे, बाकी आएंगे। तो एक लंबी प्रक्रिया चलने वाली है। तो मान कर चलिए अगले 2 साल में भी ये बहाल जो है नहीं कर सकते, केस मुकदमा तो खैर तो एक अलग बात है। लेकिन मुख्य बात है कि एक ही विद्यालय में 3 प्रकार के शिक्षकों की नियुक्ति का कोई औचित्य नहीं। सर, जीतन राम मांझी की मुलाकात आज अमित शाह से हुई है, क्या उसका रही है? नहीं देखिए, ये एक दशरथ मांझी को भारत रत्न की उपाधि देने के लिए मिलने जा रहे हैं। कोई किसी से मिल सकता है? अरे भाई, गृह मंत्री हैं देश के, कोई बीजेपी के नेता क्यों नहीं, गृह मंत्री हैं, पीएम हैं नरेंद्र मोदी, तो कोई जाकर मिल सकता है पीएम से और गृह मंत्री से? इसमें क्या आपत्ति की बात है? इसमें मुझे तो कोई राजनीति नहीं दिखाई। नीतीश कुमार सर पूर्णिया की सभा में मांझी जी को बराबर कह रहे थे कि आप, ठीक है, उनके बारे में डर होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैंने जो अखबारों में देखा वो यही देखा, जिसमें कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो मुझे पता नहीं है इसमें क्या सच्चाई है। लेकिन मांझी जी आज जो मिलने गए हैं, और किसी को मिलना होगा तो इस प्रकार से खुलकर मिलेंगे, अगर कोई समझौता करना होगा तो गोपनीय तरीके से मिलेंगे, खुल के जाकर मिलेंगे बातचीत करने के लिए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है। बाकी राजनीति के अलग अलग अर्थ निकालना ये पत्रकारों का या जो विश्लेषक है उनका काम, वो निकालते रहे, लेकिन हम लोग को इसके बारे में कोई इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है। सर, राहुल गांधी आपकी क्या है इस पर? नहीं, वो तो देखिए, अगर हम लोगों ने तो कल ही कोर्ट को ये प्रे किया कि गैर जमानती वारंट निकाल कर उनको हाजिर करवाया जाए। वो वाई नाट घूम रहे हैं, विपक्षी एकता कर रहे हैं, और कोर्ट में हाजिर होना था, वहाँ पर हाजिर नहीं हुए। कल दिल्ली में मिल रहे थे वो, तो उनको तो कोर्ट में आना चाहिए था। इसलिए उनकी जमानत को रद्द करके उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। उनके वकील ने आग्रह किया कि यदि 25 तारीख को वो उपस्थित होंगे, उनका बयान दर्ज होगा, बयान दर्ज होने के बाद ट्रायल होगा मुकदमे का। और मुझे तो विश्वास है कि सूरत कोर्ट के समान जो है उनको सजा होगी।